कानपुर कांड में पुलिस को 48 घंटे बाद बड़ी कामयाबी मिली। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के साथ बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और उनके चार समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दो दिन पहले ही दबिश के बाद पुलिस ने मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बीजेपी नेता उनके समर्थकों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगा दिया था। आज बीजेपी ने भदौरिया को पार्टी से बाहर निकाला। बिहार में एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी दी थी। जेडीयू ने एमएलसी की अभद्रता के खिलाफ बीजेपी से शिकायत की थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा कल और परसों पार्टी महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गोवा में होने हैं चुनाव। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच आज हाई लेवल कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। 3 घंटे की बैठक के बाद बोले क्या हुआ नहीं बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक 2 डिप्टी सीएम और सिद्धू को कैंपेन कमेटी प्रमुख बनाने का निकल सकता है फॉर्मूला। कमेटी में शामिल नेताओं ने कहा 1-2 दिन में हाईकमान को देंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट में सबकी बात होगी। पंजाब में वैक्सीन विवाद पर भी कांग्रेस में आपसी कलह। सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर वैक्सीन बेचकर 2,64,00,000 रुपए कमाने का लगाया आरोप। तो एबीपी न्यूज पर खबर के बाद अमरिंदर सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने की अपील वाला आदेश लिया वापस। एबीपी न्यूज के पास हेल्थ विभाग के डायरेक्टर की चिट्ठी मौजूद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन पर दी बड़ी जानकारी। देश में अब तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 43% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के 37% लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक कुल 22,41,00,000 वैक्सीन की डोजेज लगाई गई। सीएसआईआर सोसाइटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ। बोले कोरोना महामारी सदी की सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन वैज्ञानिकों ने किया अच्छा काम। साल भर में ही देश में बनाई वैक्सीन। मेडिकल की दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका द लैंसेट की एक स्टडी में दावा, अमेरिकी वैक्सीन फाइजर कोरोना के भारत वाले वेरिएंट यानी डेल्टा के खिलाफ कम एंटीबॉडी पैदा करता है। स्टडी में यह भी कहा गया कि फाइजर से बनी एंटीबॉडीज बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होती जाती हैं। कोरोना संक्रमण की अगर बात करें, गुजरात की बात करें, तो 100% क्षमता के साथ सरकारी और निजी दफ्तर खोलने की इजाजत अनलॉक करने की दी गई है। फाइव जी पर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। कोर्ट ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा लगता है ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि पिछली सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जूही ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।